ब्रेकफास्ट स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने लोग आतंकवाद से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा सड़कों पर गड्ढे होने के कारण लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी को लेकर रविवार को भोपाल की ईदगाह हिल्स एरिया में सड़कों में गहरे गड्ढे होने पर लोगों ने अलग ही अंदाज में प्रदर्शन किया, सरकार पर क्या ध्यान खींचने की कोशिश की। लोगों ने प्लास्टिक के गमलों में पेड़ लगाकर उन्हें गहरे गड्ढे में रख दिया और गमले में रेडियम लगा दी जो रात के समय में चमकते हैं जिससे लोगों को स्पष्ट दिखाई दे सके। और स्थानीय लोगों के मुताबिक वे कई बार जिम्मेदारों से इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी मौतें आतंकवाद से नहीं हो रही हैं, जितनी मौतें सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनसे हो रही हैं, और ऐसा ही आलम राजधानी भोपाल में भी है। आप देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल की ईदगाह हिल्स इलाका है जहां पर ये सड़क है कि सड़क में गड्ढा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ के लोगों ने एक संदेश दिया है सरकार के लिए कि जो सरकार है जो सड़क नहीं बनवा रही है उसे बनवाने के लिए एक संदेश दिया है कि जो गड्ढे हैं गड्ढे में गमले के द्वारा ये पेड़ लगाए गए हैं और इन गमलों में जो रेडियम है आप देख रहे हैं ये रेडियम जो कि चमकेगा रात में अगर ये लगा रहेगा और रखा रहेगा तो ये आ रहे हैं लोग या जो जाते हैं उनके लिए लाइट पड़ते ही ये चमकेगा यानी शाइनिंग रहेगी इस पर जिससे जो गड्ढे में लोग हैं वो नहीं गिरेंगे। कुल मिलाकर के सरकार को इनका ये संदेश है कि जो गड्ढे हैं इन गड्ढों को सुधारा जाए या फिर कोई और मकसद क्या मकसद है आप लोगों का? मुरली बजाना आता नहीं है, कड़वी भाषा बोल नहीं सकते। शासन को जगाना है, पौधा रोपण करके जगाना है, गमलों में पौधे लगाए हैं, सड़क के बीचों बीच जो बड़े बड़े एक फीट के गड्ढे हो गए हैं उसमें आए दिन जो दुर्घटना हो रही है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जैसे सड़कें शीघ्र बने और अतिशीघ्र बने और उसमें हम लोगों ने गमले लगाए हैं, गमलों में पौधे लगाए हैं, उन गमलों को डेकोरेट किया है हम लोगों ने। पहले आप सरकार से भी या विभाग से भी ये शिकायत कर सकते थे कि यहाँ पर जो गड्ढे हुए हैं सड़क में इन्हें भरा जाए? सर, हर डिपार्टमेंट में जहाँ तक हो सकता है शिकायतें लिखित रूप से भी दी हैं, मौखिक भी दी हैं, पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ईदगाह हिल्स की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से भी बेहतर कहा था जिसका हाल आप सामने देख सकते हैं क्या है। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि इन्होंने हर एक विभाग में, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां जाकर के इन्होंने अपनी गुहार नहीं लगाई है, लेकिन इनकी गुहार को आज तक नहीं सुना गया है, जो इनकी शिकायत है उसे नहीं सुना गया है। तो एक अनूठा इन लोगों ने ये तरीका निकाला है कि यहाँ पे गमले लगाए जाएं और गमले जो कि रात में भी रखे रहेंगे जिससे रेडियम चमकेगा। कुल मिलाकर के सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये तरीका अपनाया है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ में गब्बर सिंह ठाकुर, सौराज संवाददाता, भोपाल।